जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपनी, तो जब पहली वीडियो बनाई तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरुआत करने में हुई। मुझे पता था मुझे क्या बोलना है, मुझे मेरे पास स्टोरी थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी यार, मैं शुरू कैसे करूं, यार मैं शुरू में क्या बोलूं, मैं शुरू में स्क्रिप्ट ही नहीं बन पाती, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, मैं शुरू में क्या बोलूं, समझ पा रहे हो। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये फिर अपने आप से अपन क्या कहते हैं, हाय का शुरुआत हो जाए ना तो फिर तो मैं वीडियो बना दूं, तो लोगों को शुरुआत नहीं मिल पाती। और कई लोग शुरुआत कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर लोग इसी तरह से शुरुआत करते हैं, हाय मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, या दैट इज नॉट अ शुरुआत, दैट इज नॉट अ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, ये एक ट्रेंड है बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बहुत लोग ऐसा करते दिखेंगे आपको, आप गारंटी, आप लोग भी इसे तवज्जो रखोगे, आप लोग भी कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, मेरे माइंड में जब भी वीडियो को शुरुआत करने की बात आती है मैं बोलता हूँ हाय मेरा नाम सफल है और मैं आज आप लोगों को चावल बनाना सिखाऊंगा, इजंट इट, ऐसी शुरुआत करते हैं, ऐसे नहीं करना। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, आप एक काम करो, अभी के अभी टेक्निकल गुरुजी की वीडियो खोल के देख लो, आपको वो कभी ऐसा कहते नहीं, उनकी उनकी वीडियो की शुरुआत कैसे होती पता है, उनकी वीडियो की शुरुआत होती है एक जिंगल से जिसमें बोलता है शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस, ये तो उसकी शुरुआत होती है। और फिर खुद आके जब पहली बार जब वो बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते मेरा नाम टेक्निकल गुरुजी है या मेरा नाम गौरव है और चलिए शुरू करते हैं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे वो, पहले वो कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, ताकि देखो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्या बताने वाले हो और सामने वाले को इससे फायदा क्या है वो बात करो, और पहले तो प्रॉब्लम बताओ। ये बहुत बार लोगों में गलतियां रहती है कि लोग ऐसा सोच ही नहीं पाते कि मेरे को शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत हमेशा प्रॉब्लम के साथ करो कि उनकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप वीडियो में बताने वाले हो, आपकी वीडियो जो है वो सॉल्यूशन ही तो है, पर पहले आप उनको प्रॉब्लम बताओ ताकि वो रिलेट कर सके, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो।